गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन आज मेरा आनंद वाला दिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत हुई है बहुत गंदी। और बहुत गंदी क्यों हुई है? क्योंकि पतिदेव कल गए थे गुड़गांव, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वो रास्ते में बारिश में भीग गए और उनको आ गया है फीवर। तो अभी वो थोड़ा सा दवाई ववाई दी है, लेकिन रेस्ट कर रहे हैं। पहले से थोड़ा सा उनको पहले से थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो रेस्ट पर हैं। और दूसरी बुरी न्यूज़, दूसरी बैड न्यूज़, सैलून का एसी हो गया है ख़राब और गर्मी में हाल बेहाल है। तो अभी सैलून से फ़ोन आया था कि मैम एसी ख़राब हो गया है। तो अभी जाती हूँ सैलून पे, जाके देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैकेनिक को बुलाती हूँ, जो भी उस टेक्नीशियन को, सॉरी नॉट मैकेनिक, टेक्नीशियन को बुलाती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। और चलिए आपको एक बार पतिदेव को भी दिखा देती हूँ, उनके क्या हालचाल है। हाँ जी, नमस्ते कर लो सबको, जय श्री राम कर जय लो। श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं बीमार हूँ फिलहाल। कल थोड़ा सा फीवर हो गया था, रात ही हो गया था, दवाई लेकर के सोया था हालांकि। लेकिन जब मैं आज सुबह उठा तो बिल्कुल पूरा बॉडी एक हो रहा था, जिसकी वजह से फिर मैं उठ नहीं पाया। सुबह फिर नहा धो करके, क्योंकि नहाना ज़रूरी होता है और मेरे से बिना नहाए रहा भी नहीं जाता, इसलिए मैं नहा धो करके दवाई लेकर के फिर लेट गया। और आज मैंने ली हुई ऑफिस से छुट्टी, क्योंकि तो मेरी जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं बिल्कुल आज टोटल रेस्ट में हूँ। आज कहीं नहीं जाऊँगा, घर में रहूँगा, रेस्ट करूँगा, सोऊँगा, खाऊँगा, सिर्फ ये काम करूँगा ताकि कल के लिए फिर से एनर्जी सेव हो सेव कर सकूँ जाए। और कल से फिर काम स्टार्ट। तो चलिए जी, ये तो आ गए हैं रेस्ट पे। मुझे लग नहीं रहा इनका मूड है उठने का, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में ये बता चुके हैं। तो मैं चलती हूँ सैलून पे, साथ साथ आपको भी लेके चलती हूँ और दिखाते हैं भैया क्या ही आफत आ गई एसी में। हमारे तो सच्ची खून पी कर धर दिया, कभी तो घर के एसी, कभी बाहर के एसी, कभी बाइक, कभी कुछ, कभी गाड़ी के टायर पंचर, कभी गाड़ी के टायर फट जा, पता नहीं हमारे साथ क्या ही पनौती हो रही। तो जी फाइनली एसी हो गया है ठीक, एटलीस्ट एक टेंशन तो कम हुई। लो बढ़िया करके चल रहा है, बढ़िया कूलिंग कर रहा है ना फिरोज, एकदम बढ़िया कूलिंग कर रहा है। तो लो जी हो गया एक और नुकसान, दूध उबाल दिया। सब्जी धोने में लगी पड़ी थी और दूध उबाल दिया। तो जी ये लाई थी मैं ग्रेप्स, ये लाई थी बनाना और ये लाई थी सब्जियां जो कि वॉश हो चुकी हैं। अब इन्हें लगाऊंगी फ्रिज में और दोबारा से एक काम और बढ़ गया, गैस साफ करूं। ये मैंने सोख कर दिए चावल और ये बन गई है हमारी कढ़ी। तो जी अब बस ये धुलने रह गए, लेकिन पहले जरा यार गैस साफ कर लूं। भाई आज तो बस क्या ही बताऊं, आज का दिन तो मतलब पनौती हो गया। लो जी कर रही हूँ गैस साफ, दूध जो निकल गया था वही काम निपटा रही हूँ। काम ही काम बढ़े जा रहे हैं, काम ही काम बढ़े जा रहे हैं। और अभी कपड़े फेंक दूंगी साफ करके, क्योंकि दूध की बहुत ही गंदी स्मेल हो जाती है, कितना भी धो लो आती है दूध की। तो लो जी पहले कर रही हूँ मैं गैस साफ। अब धोऊंगी मैं गैस का स्टैंड, ये पूरा गंदा हो गया, एकदम पूरा दूध दूध में हो गया है। हाय मेरे तो हाथों में भी दूध की स्मेल आ रही है। धुल गया ये,
अब सब्जी लगाती हूँ फ्रिज में और उसके बाद फिर ये फ्रूट्स धुलूंगी। और भाई ये कपड़ा थ्रो कर दिया, अब मैं पहले अपने हैंड वॉश कर लूं, हैंड वॉश कर लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर ये सारी सब्जी लगाऊंगी फ्रिज में। तो चलो जी पहले इन्हें लगा के आते हैं फ्रिज में और उसके बाद फिर मैं धोऊंगी फ्रूट्स। तो इनको एक बार लगा देती हूँ और फिर फ्रूट्स धोऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। जी ये हो गया है अदरक, अदरक तो डोर में ही रख देती हूँ यार, अदरक तो डोर में ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर चीजों में दब के ना अजीब सी स्मेल करता। और जी ये हो गए हमारे क्यूक्यूम्बर एंड ग्रीन कोरिएंडर, टमेटो, ग्रीन चिली। तो जी सब्जी मेरी लग गई है बट मैं ये नहीं लगा रही हूँ कॉलीफ्लावर गोभी, क्यों क्यों नहीं लगा रही हूँ रीजन है उसका भी, क्योंकि वॉश तो ये भी हुई है क्यों नहीं लगानी, उसका रीजन ये है हमारे हमारे घर आज शाम को कोई आ रहा है तो अभी अभी उनका फोन आया था कि हम लोग शाम को आएंगे, कौन आएगा वो हम आपको शाम को उनसे मिलवाएंगे और वो हम दिखाएंगे आपको डिनर पे। तो अब मैं करूंगी डिनर की प्रिपरेशन क्योंकि बज गए हैं 2, यशांश भी आने वाला है, 2:30 बजे बेटा आ जाएगा, तो बस उसको खाना देके फिर मैं शाम की अपनी प्रिपरेशन में लगूंगी। तो चलिए जो भी आएंगे उनसे आपको मिलाते हैं शाम को। तो जी सब्जी तो जैसी आपने देख ली कि वेजिटेबल सारी वॉश हो चुकी हैं, दर नंबर आता है ग्रेप्स का, तो ग्रेप्स भी वॉश कर देते हैं। अच्छा एक बार आप वॉश करके रख दो ना सब चीजें जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट है तो फिर आप भी ना टेंशन फ्री हो जाते हो। वॉश करो फ्रूट्स को, डाइनिंग टेबल पे रख दो, अपना बच्चा आता घूमता खेलता फिरता खा लेता है। अब नहीं तो फिर मैं उसको बोलूँ ना मैंने कहा बेटा वॉश कर लो, अरे माँ अब वो उस चक्कर में ना, सीटी की आवाज है गाइस अवॉइड करना, तो वो ना फिर खाने में थोड़ी आनाकानी करता है, अब मतलब अलसाता है बच्चा जैसे कि आपको बताइए। तो बस इसको एक बार वॉश कर देती हूँ, बनाना भी वॉश कर देती हूँ, फिर इनको मैं रख दूंगी डाइनिंग टेबल पे। तो जी बनाना भी वॉश हो गया है, हालांकि आप ये कह रहे होंगे बनाना कौन वॉश करता है क्योंकि बनाना तो अंदर से खाते हैं, ये इसका छिलका होता है, बात सही है गाइस, बट इन पे ना जहां भी होती है अब पता नहीं ना फ्रूट्स वाले के यहाँ, पता नहीं ना फ्रूट वाले के यहाँ इनपे कितनी मक्खियां कितना कुछ बैठा है, तो एक बार वॉश हो जाते हैं ना तो फिर ठीक है। तो जी ग्रेप्स भी हो गए हैं वॉश, बनाना भी हो गए हैं वॉश, अब इनको रख देती हूँ किसी बास्केट, इसको रख देती हूँ इस कटोरी के ऊपर, जो इनमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और जी अब मैं लगती हूँ अपने खाने की प्रिपरेशंस में। तो जी कट गई है शाम के लिए सब्जी आलू गोभी की, अभी इसे छोंकूंगी, ये मैंने गोभी अच्छे से साफ कर दी थी, इसको पूरा एक बार गर्म पानी में डिप करके रख दिया था और ये कढ़ी मेरी गर्म हो गई है, राजमा मैंने चढ़ा दिया है, राइस मेरे बन गए हैं और अब क्या करेंगे, अब खाना खाएंगे, आओ आप लोग भी हमारे साथ खाना खाओ, बढ़िया से कड़ी चावल खाएंगे, बढ़िया खट्टी खट्टी कढ़ी, खट्टी खट्टी। चलो तो शुभी आ गया है
और अब हम खाना परोसते हैं। तो ये डाल रही हूँ मैं कढ़ी, तो जी घी डाल दूं, घी का डब्बा निकाल लूं। ये डाल दिया मैंने कढ़ी में घी। तो जी खाना परस दिया है मैंने यशांश का, कढ़ी घी डाला हुआ, ये राइस, और ये कर रही हूं मैं घी गरम। और किस चीज के लिए कर रही हूँ? शक्कर के लिए। अगर राइस के साथ घी शक्कर नहीं खाए, घी शक्कर नहीं खाए राइस के साथ, तो क्या खाया यार। घी शक्कर तो जरूर ही चाहिए। तो ये घी गर्म हो जाए फिर डालती हूँ इसमें शक्कर। तो जी घी मेल्ट हो गया, अब इसमें डाल रही हूँ मैं शक्कर। तो शक्कर का डब्बा रख देती हूँ जहां से लिया था, क्योंकि वो यार छोटी किचन को ना हाथ के हाथ मैनेज करना होता है, नहीं तो सारा होच पोच हो जाता है। इसको कर देती हूँ मैं मिक्स। तो जी ये हो गई है शक्कर घी शक्कर मिक्स। और यशांश ने ये वाली प्लेट नहीं ली क्योंकि उसको राइस के ऊपर ही कढ़ी डाल के खानी थी, तो उसने दूसरी प्लेट में ले लिया। तो कोई बात नहीं, ये प्लेट हम दे देते हैं विकास को। तो जी बज गए हैं रात के 11। चाचा चाची आए थे आज, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज आने वाले हैं हमारे घर पे कोई, तो चाचा चाची आए थे, उनका बेटा आया था, उनकी बहू आई थी, बेसिकली नई बहू का खाना था आज। और वो कंफर्टेबल नहीं थी ब्लॉग पे आने के लिए, मैंने पूछा था कि मैं ब्लॉग बना लूँ क्या, बट उन्होंने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जब वो नॉर्मल हो जाएंगी, कंफर्टेबल हो जाएंगी, दोबारा से उनको अपने ब्लॉग में ले लेंगे। तो मैंने आपको खाना भी नहीं दिखाया खाना क्या बना था, तो चलिए आपको खाना दिखाती हूँ खाना क्या बना था। तो जी ये बना था राजमा, ये बनी थी आलू गोभी, और ये बना था पनीर, राइस, सैलेड, और थी पूरियां। और अब मैं अपनी किचन समेटूंगी, पूरा काम फैला पड़ा है। तो 12 तो बजेंगे दोस्तों मुझे सोने में, तो कोई बात नहीं, जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, तो काम निपटा लेंगे। आज 12 बज रहे हैं, कोई बात नहीं है, अभी मेरी पूरी किचन फैली पड़ी है, दिखाती हूँ। अभी मुझे सब मैनेज करना है, पूरा एकदम हो रखा है थोड़ा सा। और ये रात के 11:15 बजे पिस्ता खाया जा रहा है और मैच देखा जा रहा है। तो मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, पिस्ता बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है खाना जो उन्होंने बनाया था, बहुत शानदार खाना बना था। चाचा चाची और उनका बेटा और उनकी बहू, सब लोगों को खाना बहुत पसंद आया। वैसे खाना बहुत बढ़िया बनाती है हलवाई हमारे घर की। एक नया नाम मिल गया हलवाई। तो सब लोग आए, काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही थी, बहुत अच्छा लगा
सब लोगों से मिलके, वैसे अच्छा लगता ही है लेकिन बहुत अच्छा लगा और खुश हुए, सब लोग खुश होते हैं जब मिलते हैं तो मुलाकात होती है, तो बहुत बढ़िया था, बहुत बेहतरीन था। तो जी ये था आज हमारा फुल डे का रूटीन, अब हम करते हैं आपको बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, शुभ रात्रि। अब आपसे कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिसमें कि आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो तो यार कर दो ना सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी से बढ़ा दो ना मेरे हैं प्लीज़। तो ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए आपको